दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। उत्तरी भारत में बसा है हरियाणा राज्य का 21वां जिला, जो हरियाणा का मुख्यालय भी है। आगरा दिल्ली राजमार्ग पर बसा है ये शहर, जहां हर साल मनाया जाता है त्योहार जिसे बलदेव छत का मेला कहते हैं। और इसी शहर के नगर कार्यालय चौक के पास बना है श्री कृष्ण के अग्रज भ्राता श्री बलदेव का मंदिर। विक्रमादित्य द्वारा बहाल किए राक्षस पलवसुर के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा पलवल। और इसी शहर पलवल में दिल्लीपति महाराज अनंगपाल तवर जी के गौरवशाली वंशजों का एक गांव गतपुरी। इसी गांव के अमर शहीद गौरक्षक चौधरी पलटूराम तंवर और समाजसेवी चौधरी लहरी सिंह के पौत्र ने आज अपने भारत के नक्शे पर इस शहर की पहचान कराई, बनकर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड के डायमंड लीडर चौधरी सुरजीत सिंह तवर। साढ़े बनबूठा दिया ब्लैक लिस्टड कारा ने असी अंडरग्राउंड बंदे उपर तक मारा ने असी अज दे राजे हां साडा पता नहीं कल दा मंगते नी खोदे असी पुत डाकुआ दे पग कतीरा दा शहरा ना नहीं रलता गतपुरी गांव पलवल जिला। चौधरी लहरी सिंह के पुत्र शिक्षक चौधरी बलजीत सिंह के द्वार एक दुलारे ने जन्म लिया 5/8/1983 को, नाम रखा सुरजीत। पिता के महान आदर्शों और माता श्रीमती कृष्णा देवी के संस्कारों में पले बड़े सुरजीत तीन भाई बहनों में सबसे छोटे। प्राथमिक विद्यालय गतपुरी से शिक्षा की शुरुआत हुई और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 12वीं पास करते हुए खत्म हो गए। बड़ी जमींदारी थी तो बचपन से खेती की जिम्मेदारी हिस्से में आ गई। उम्र कम थी पर अपने और अपनी खेतों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मात्र 17 साल की उम्र में जेवर क्षेत्र के बड़े घराने और सभ्य परिवार की बिटिया के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। बीना से सन 2000 को शादी कर ली, सात फेरे लिए और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। बड़े पुत्र मयंक का जन्म हुआ और 2 वर्षों बाद छोटे पुत्र कुणाल ने आंगन को चहका दिया। सुरजीत जी तोड़ मेहनत कर अपने खेतों में नए आयाम लिख रहे थे, नए नए कीर्तिमान बना रहे थे। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, तभी वक्त मानो थम सा गया जब 2008 में पिताजी के असमयिक निधन होने के कारण सुरजीत दुखों के सैलाब में डूब गए। पर समय की मार और पारिवारिक हौसलों ने सुरजीत को सामान्य राह तक पहुंचाने में मदद की। अब सुरजीत अपने आप को खेतों और परिवार में व्यस्त रखते, पर एक मलाल मन में था। राजनीतिक और समाज सेवी परिवार होने के नाते उनकी अपने नाम की कोई पहचान नहीं थी।
उनकी निराशा का कारण यही था। तो मन में कुछ ऐसा करने की इच्छा ने जन्म लिया, जहां समाज सेवा भी हो, नाम भी और बच्चों की सुख सुविधाओं के साथ उज्जवल भविष्य भी निश्चित हो। इसी प्रबल इच्छा ने उनको आकर्षित किया एक संभावना की तरफ, वो थी सेफ शॉप। चलना पूछना पूछ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनू है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्ता बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां। और मात्र एक सप्ताह में सुरजीत को विदेश यात्रा का मौका दिलाया, टारगेट पूरा किया, जो सुरजीत की लगनशीलता को संवाद कुशलता के दम पर स्पष्ट इरादों के झलक दिखला रहे थे, और अपने शहर के साथ कई शहरों में टीम बनाई। शुरुआत देवेंद्र सर के सानिध्य से हुई और कृष्णपाल सर के सानिध्य में और मार्गदर्शन में अपने और अपनी टीम के ज्ञान और संवाद कुशलता पर काम करना शुरू किया। अपने दोनों बेटों को सेफ शॉप में जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया, पर समय को कुछ और मंजूर था। 21 फरवरी 2019 वो सुबह जो सुरजीत को गमों के सागर में डुबो गई। खबर सुनी बड़े पुत्र मयंक का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। सुरजीत अब गमों के साए में थे और उनके चेहरे की उदासीनता उनके टूटे दिल की कहानी बता रही थी। ये गम इतना बड़ा था कि सुरजीत के बस के बाहर था, पर जब उन्होंने उम्मीद लगाए हजारों परिवार की तरफ देखा तो सुरजीत ने अपने आप को मजबूत किया और फिर टीम के साथ जुड़ गए और उन्हीं के बीच अपने मयंक को खोजने लगे। टीम को मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते वो रूबी के लेवल पर पहुंचे, पर कार्यक्रम से 3 दिन पहले सुरजीत का एक्सीडेंट हो गया। पर मेरठ में फंक्शन में पहुंच अपने हौसलों और जिद की उड़ान को दिखा दिया। शायद इसी जज्बे के लिए किसी शायर ने कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं मैं, है मुश्किल देख तुझसे कितना बड़ा हूं। वो कहते हैं ईश्वर उनके हमेशा साथ होते हैं जो मजबूत इरादों के साथ नेक दिल रहते हैं। इसी ने सुरजीत को कोरोना जैसी स्थिति में भी अपनी टीम ने ड्रीम लेवल डायमंड शिप तक पहुंचाया और बना दिया इतिहास। पलवल के पहले डायमंड सुरजीत सिंह। भगवान के आशीर्वाद के रूप में 2020 में एक और पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा राज तवर। वैसे भगवान हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों पर खुशियों की बौछार करता है। जैसे सुरजीत को सपनों की कार BMW और डायमंड हाउस देकर की, और आज वो अपने परिवार और दोस्तों के बीच खुशियां बिखेर रही हैं।
सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है चस्पे सिद्धि है सिद्धि है चस्पे सिद्धि है त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम भोज सनूपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मन शिवा हौसलों की रोशनी बढ़ती जाती है रोशनी बढ़ती जाती धरती अंबर गावे है